अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवारज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना रब्बुल इज़्ज़त की दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। लियो वीकली होरोस्कोप 21 to 27 नवंबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। लियोस, दो बड़ी तब्दीलियां हैं इस हफ्ते में, और एक तब्दीली जो पहली ही तब्दीली है वो आपके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सन आपके चौथे घर से निकल के पाँचवीं पोजीशन पे जो है वो जा रहा है, यानी पाँचवां घर जायचे का जो है ये घर जो हम कहते हैं बुनियादी तौर पे ये होता है कि 12 पार्ट हैं और हर एक को एक घर कहा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। पाँचवें घर में जा रहा है, जहाँ पे जाके बहुत बेहतर होगा। ये 22 नवंबर को होगा। दूसरी तब्दीली मरकरी की है जो कि आपके 11वें घर का गुड लक का भी हाकिम है और एग्जैक्टली आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। ये भी 5वीं पोजीशन पे जाएगा। इसके साथ साथ तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है होने जा रही है। ये दो मेजर तब्दीलियाँ हैं। इनके बारे में बताने से पहले दो चीज़ें आपके गोशगुजार करूँगा। एक तो मेरा सवाल है, क्या आपने पिछले हफ्ते का जो ग्रहण था उसके सदका दिया? अगर नहीं दिया तो पहली फुर्सत में दीजिए, क्योंकि ये आपके 10वें घर में हुआ है, कैरियर रोजगार के घर में ये ग्रहण हुआ है। तो समटाइम ये होता है कि आप इस तरह की गलतियां कर जाते हैं और बाद में आप कहते हैं कि जी बातें जो है वो आप बता रहे हैं कि ऊपर जा रही हैं, चीज़ें हमारी ऊपर नहीं जा रही। उसके पीछे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और दौर का नमाज हाजात दौर का नमाज आयात जो है, जिसको कि हम नमाज कसूर भी कहते हैं, ये ज़रूर अदा करें, सदका ग्रहण कर दें। तमाम चीज़ें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की थी, नहीं की हुई देखी हुई आपने व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिए, नहीं तो चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे दूसरे चैनल रजा जावा के ऊपर, जहाँ पे आपको मंथली होरोस्कोप दिए जाते हैं, वहीं पे आपके लिए ईयरली प्रडिक्शन जो है वो अपलोड कर दी गई है। यानी 2022 आपका कैसा गुजरेगा, इंशाल्लाह ये होंगी, ये तमाम आपके लिए बेहतरीन इंशाल्लाह साबित होंगी, चूँकि इस बार बहुत ही ज़्यादा एरिया को कवर करने की कोशिश की गई है। मेरी कोशिश है कि कुछ थोड़ा सा जो रूटीन हमारी चल रही है उससे थोड़ा सा हट के आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिए इसको। सो उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 22 नवंबर, सबसे पहले चूँकि फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है, इसी के ऊपर बात करूँगा। सन जो है वो आपके 5th हाउस में आ जाएगा। 5वां घर आपकी लर्निंग का है, 5वां घर आपकी स्ट्रेंथ का है, पावर का है, इख्तियार का है। 5वां घर आपके औलाद से रिलेटेड है। 5वां घर आपके लव अफेयर्स हैं, आपकी मंगनी है। 5वां घर आपकी सीखने समझने की सलाहियत है, नॉलेज गेन कर सकेंगे। 5वां घर आपकी, अगर स्पेशली आप किसी भी तरह से माशरे में किसी अहम रोल में हैं, सियासत में हैं या हुकूमती इदारों में हैं, तो आपको बेहतरीन पोजीशन जो है वो मिल सकती है। पावर आपको मिलेगी, अथॉरिटी आपको मिलेगी, नेम फेम आपको मिल सकेगा। ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होगा, लेकिन इस पावर को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, गन रख लेना कोई काम नहीं, उसको सही वक्त पे इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना ये काम है, और गलत तरीके पे उसको इस्तेमाल ना करना ये भी एक काम है। कि जब पावर हो, अथॉरिटी हो, तो बंदा फ़ौरन से पहले उसको इस्तेमाल करने की तरफ आ जाता है। ये कम लोगों में होती है, लेकिन लियो चूँकि इनमें पैदाइशी तौर पे ये स्किल्स होती हैं कि ये लोग लीडर होते हैं, ये लोग जो है ना वो लीड करने की सलाहियत रखते हैं। तो लीडर जो है वो इतनी जल्दी जो है वो डाउन माइंड जो है वो नहीं होता, और बड़ा ज़र्फ उसका अल्लाह ज़र्फ होता है। शेर है एग्जैक्टली जिसको मैं कह सकता हूँ लियो, इंग्लिश में हम कह रहे हैं शेर है। ये शेर जो कहने का मकसद ये है कि शेर मिजाज रखते हैं। जब तक इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा ना दिलाया जाए ये चीर फाड़ पर आमादा नहीं होते। बेशक लियो जो साइन है वो एक दरिंदे का, लेकिन एक्चुअली लियो जो इसको कहा जाता है शेर, एक सिंबल है पावर का, अथॉरिटी का। तो ये आपको इंशाल्लाह मिल सकेगी। इसके अलावा आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत सारे मसाइल का जो है वो ख़ात्मा होगा। स्पेशली आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो मामला हैं उसमें बेहतरी आएगी, और आप अपने लिए नई राहें जो है मुतय्यन कर सकेंगे। ये एक फायर प्लेस है जहाँ पे जो है वो सन आ रहा है, आप खुद फायर है, एक फायर प्लेस पे आपका साइन लॉर्ड जा रहा है। इट्स मीन कि आपके अंदर की जो स्किल्स हैं वो उभर के बाहर आएंगी, आपके अंदर जो महारत है आप उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आप एग्जैक्टली एक शेर की तरह ही जो है वो इस वक्त नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा फायर एलिमेंट है उसमें भी बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ आनी है, यानी एरीज। यहाँ से तसलीस की नज़र बनेगी आपके साथ, तसलीस की नज़र बनेगी एरीज के साथ। ये आपका जायचे का नवा पार्ट है, नवा घर है। नवा घर आपके बैरून मुल्क सफ़र का है, स्पेशलाइजेशन का है, आपके सोसाइटी अरब के साथ रिलेशनशिप का है, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। आप इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ में होंगे कि आप न सिर्फ अपनी मदद करेंगे, अपने अजीज़ों कारब की मदद करेंगे, उनके अलावा आप एक आम पब्लिक के लिए काम करेंगे। ये है पावर का सही इस्तेमाल जो कि आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो है वो ओवरसीज ट्रैवल आपके बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअलिटी के वाले से भी होता है, नॉलेज गेन करने के लिए भी जो है वो हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही जिसको कह सकते हैं जी कि ज़बरदस्त जो है वो होने जा रही हैं। उसके साथ आपको अपनी किरदार साजी का मौका मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, आप नॉलेज जहाँ सीखेंगे वहाँ पे ओकल्ट साइंसेस भी हैं और डीप थॉट्स आपको मिलेंगी, विजडम के मालिक होंगे आप। मिजाज में तदब्बर और तहम्मुल जो है ये ज़रूर आएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल करना है सिर्फ, अगर आप एंगेज हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके ऊपर अपनी इस अथॉरिटी को, अपनी इस पावर को इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने ये किया तो आपके मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि इस ड्यूरेशन में अगर मुमकिन हो तो एंगेजमेंट से गुरेज कीजिए। हालांकि एक हिसाब से कहा जाए तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट बन जाता है, चूँकि जुपिटर आपके 7वें घर में है, तस्लीस की नज़र बनेगी, मंगनी शादी के मामला तय हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई आ जाए तो पहले परखिएगा, पहले समझिएगा क्या वो आपके लेवल पे है। अगर उसके आपके लेवल पे है तो उसको लेके आगे चलिएगा। अपने आदमी एक रूबी पहनिए। रूबी इस वक्त आपकी इस ये जो पावर्स आपके पास आने लगी हैं उनको प्रिजर्व करेगा, मल्टीप्लाई करके आपको देगा। ये परवरदिगार की मदनियात जो हमारे लिए परवरदिगार ने नेमतें दी हैं उनमें से एक नेमत है और आपके लिए तो बहुत ही स्पेशल नेमत है। ये आपके 9वें घर को भी सपोर्ट करेगा, या आपके 1st हाउस को सपोर्ट करेगा, या आपके 5वें घर को सपोर्ट करेगा। औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद लियोज़ के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि आपको परवरदिगार के फजल से औलाद नरीना की खुशखबरी जो है वो मिल सकेगी। दूसरा सैयारा हमारा मरकरी। मरकरी जो है ये आपके 11वें गुड लक का हाकिम सैयारा है, तो लक आपकी पूरा आपको साथ देगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी 5वां घर भी लक से जो है वो करता है। चले हम दोनों को मिला के करते हैं तो दोनों जगह पे आपके लिए बड़ा अच्छा है। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ब्रेन को प्रॉपर यूज़ करेंगे, चूँकि जैसे ही सन पीछे आएगा मरकरी इसके पीछे आएगा, यानी जोश वलवल के साथ साथ अकल भी आएगी और आप इस पर काम करेंगे। एक्चुअली मरकरी जब कंबस्ट होता है तो क्या मरकरी में पावर्स बिल्कुल नहीं होती, एक्चुअली उसकी पावर्स जो है वो सन ले लेता है। यानी एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ जितनी कैबिनेट है उन सारे के इख्तियार उसके पास होते हैं, वो अपनी मर्जी करता है। वो जो ऑर्डर जारी करता है उसको तमाम वजारतें ऑन करती हैं। क्यों जी? प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अथॉरिटी उसके पास है। सो अथॉरिटी आपके पास होगी, इस ब्रेन को यूज़ कीजिए। 2 सबाब आपकी गुड लक में इजाफे के लिए, आपके मामला में बेहतरी के लिए भरपूर तरीके से आपका साथ देंगे। आप अपनी मादी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और उसका आपको बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा। पिछले दिनों में भी जो आपने एफर्ट्स की थी अब उनके रिवॉर्ड लेने का आपका वक्त आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, चूँकि मरकरी 5वें घर में आ रहा है तो सम टाइम ये किसी ऐसी जगह पे भी अखराजात करवा देता है जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। तो इस चीज़ को अगर आप सेव करेंगे इस वक्त तो ये आगे चल के आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो जाएगी। सो इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिएगा, असराफ ना करें। और आपकी जो जब एक महीना इसने सन यहाँ पर रहना है तो एंड ऑफ द मंथ पता चले कि आपने बहुत सारी पावर जो है वो प्रिजर्व कर ली है। और जब लाइट गई होगी, यानी जब सन जो है वो 6ठे घर में चला जाएगा और कैप्रिकॉर्न में होगा, जब इक्वेरियस में होगा, जब पाइसिस में होगा, तो पता चलेगा कि आपकी लाइट नहीं गई, आपने वो जो बैटरियाँ चार्ज कर ली थी, जो प्रिजर्व है वो आप यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि रूबी यूज़ कीजिए, या आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन साबित होगा। बेहतरीन जम्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट javajamm.com विजिट कर सकते हैं। घर बैठे, अब दुनिया में कहीं नहीं है, घर बैठे बेहतरीन जम कलेक्शन आपको मिल सकती है। बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हो चुके, आप इससे मुस्तफीद हो जाइए। परवरदिगार का फजल है और आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। पत्थर आपको कुछ नहीं देता, लेकिन जिस तरह आप एक ग़िज़ा से जो अपनी तवनाई पूरी करते हैं, इसी तरह मादनियात से भी आपके मामला जो है वो चलते हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारे तबीब जो हुक्मा हैं वो इसका कुश्ता बनाते थे, मरजान का भी, याकूत का भी, इसका कुश्ता बनाते हैं, मिनरल्स में आता है। तो जैसे आपकी बॉडी को ये बेनिफिट दे सकता है, इसी तरह आपकी सोल को भी बेनिफिट देता है। जहन में रखिए इसमें जितनी कुव्वत है, जितनी पावर है, सब परवरदिगार की अता करता है। सो ये कभी ना सोचा करें कि पत्थर आपको दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं एक बहाना हूँ चीज़ें आप तक डिलीवर करने का, असल में तो परवरदिगार की हिकमत है और उसी का शुक्र बजा लाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।